कमल भारती जी हिंदी जगत के प्रख्यात प्रख्यात लेखक हैं, प्रगतिशील अंबेडकरवादी चिंतन के एक हस्ताक्षर। उनकी कुछ प्रमुख किताबों के नाम यहाँ पर मैं लेना चाहता हूँ, दलित विमर्श की भूमिका, कबीर का ज्ञानोदय, राहुल सांकृत्यायन और डॉक्टर अंबेडकर। कमल भारती जी अंग्रेजी से हिंदी में इन्होंने कई किताबों का अनुवाद किया है जो काफ़ी पढ़ी जाती हैं। उन्हें कई अवार्ड भी मिले हैं, 1996 में डॉक्टर अंबेडकर राष्ट्रीय सम्मान और अभी हाल में ही 2015-16 में दिल्ली सरकार की तरफ से हिंदी अकादमी के तरफ से उनको सम्मान मिला है। धर्म और लोकतंत्र दोनों बड़े परस्पर विरोधी शब्द हैं। धर्म की एक मूल धारणा ये होती है कि एक ईश्वर ने सबको पैदा किया है, इसलिए सब समान है। ये धर्म की आम धारणा है, लेकिन दुर्भाग्य से हिंदू धर्म में ये धारणा भी नहीं है। हिंदू धर्म में ये धारणा इसलिए नहीं है कि वहां ये तो सच है कि ईश्वर ने सबको पैदा किया है, लेकिन सच ये आंशिक सच है, ये पूर्ण सत्य ये है कि ईश्वर ने अपने विभिन्न अंगों से विभिन्न लोगों को पैदा किया। वहां मुख से कोई पैदा हुआ है, पेट से कोई पैदा हुआ है, और हाथों से कोई पैदा हुआ है, पैरों से कोई पैदा हुआ है, इसलिए वहां सबके पिता अलग अलग हैं। समानता वहां उनके बुनियाद में ही नहीं है। जब समानता हिंदू धर्म के बुनियाद में ही नहीं है तो लोकतंत्र से उसका कोई संबंध बन भी नहीं सकता। लोकतंत्र का मूल सिद्धांत ही स्वतंत्रता, समानता, भ्रातृत्व है, और मैं नहीं कह सकता कि आप मुझसे सहमत हों कि नहीं हों, लेकिन मेरा अपना अध्ययन ये कहता कि ये तीनों शब्द हिंदुस्तानी सभ्यता के संस्कृति के ही नहीं, ये हिंदू धर्म की सभ्यता में न संस्कृति में न समता शब्द है, न भ्रातृत्व है, न समानता, न स्वतंत्रता है। ये तीनों शब्द हमको इस्लाम से मिले, या ईसाइयत से मिले, या अंग्रेजों से मिले, बाहर से मिले, और स्वतंत्रता, समानता, भ्रातृत्व मैं स्पष्ट रूप से कहता हूं कि जिन चक्तियों के वजह से मिले हैं, मेन कारण आरएसएस का उनसे नफरत करने का यही है। उसने उसका बना बनाया ढांचा खराब कर दिया इन दोनों ने। वो अच्छे खासे चल रहे थे, लेकिन इन्होंने जो है सब सत्यानाश कर दिया। भारत में तीन क्रांतियां हुई, एक क्रांति बौद्ध क्रांति हुई, दूसरी इस्लामिक हुई, तीसरी ईसाइयत की हुई। बौद्ध क्रांति से तो उन्होंने निपट लिया, मारपीट के भगा दिया, सब मंदिर ध्वस्त कर दिए, उनके मठ ध्वस्त कर दिए, कुछ लोग बाहर विदेश भाग गए, कहीं भाग गए, खत्म कर दिया। फिर उन्होंने अपने आप ब्राह्मणिज्म को फिर से पुनरुद्धार कर लिया, लेकिन उनको यह आगाज नहीं था कि इसके बाद और बड़ा संकट आने वाला है, एक और बड़ी क्रांति होने वाली है। और जब भारत में मुसलमान आए, इस्लाम आया, सूफीज्म आया, तो प्यार मोहब्बत आई, समता आई, स्वतंत्रता आई, तो यहाँ की निम्न जातियों ने जो ब्राह्मणवाद से पीड़ित थे, उन्होंने पहली बार जाना कि प्यार भी कोई चीज होती है, समानता भी कोई चीज होती है। तो सब दूर से उनको दुत्कारने वाली संस्कृति में जी रहे थे, घृणा की संस्कृति में जी रहे थे। उन्होंने पहली दफा स्वतंत्रता और सम्मान का एक स्वाद चखा। और दूसरा काम इस्लाम ने या मुस्लिम शासन ने क्यों किया, वो बड़ा भयानक हिंदुत्व के लिए किया, जिससे वो आज तक चोट खाए हुए हैं, और इसीलिए नफरत करते हैं मुसलमान कि उन्होंने शिक्षा को सार्वजनिक कर दिया था। जो इससे पहले केवल कुछ ही वर्गों तक से भी शिक्षा को सार्वजनिक करने से निम्न वर्गों में शिक्षा का विकास हुआ, उन्हें मदरसों में प्रवेश मिल गया, पढ़ने लिखने लगे।
आप कल्पना कीजिए कि अगर मुसलमान भारत में ना होते, न कबीर होते, न रहदास होते, और कबीर और रहदास ने वही लड़ाई लड़ी जो आधुनिक भारत में डॉक्टर अंबेडकर ने लड़ी। भारत में अगर अंग्रेज नहीं आए होते, ईसाई नहीं आ होती, तो डॉक्टर अंबेडकर भी नहीं हुए होते, ज्योतिबा फूले भी नहीं हुए होते। उन्होंने भी वही काम किया कि शिक्षा को साधनिक किया। इन दो शक्तियों ने इस देश के अंत को लोकतंत्र दिया, एक स्वतंत्रता का सिद्धांत दिया, समानता दिया, कानून के सामने सबको बराबर किया। बहुत सी प्रथाएं ऐसी थी, बड़ी क्रूर प्रथाएं थी, अमानवीय प्रथाएं थी हिंदुत्व की, उस पर बैन लगाया गया, उनको रोका गया, अनटचेबिलिटी पे कानून बनाकर रोका गया, सती प्रथा को रोका गया, बहुत सारे और भी चीज सुधार किए। मैं समझता कि मेरी बात सब सहमत होंगे नहीं होंगे, लेकिन मेरा अपना मानना यह है कि हिंदुस्तान में 1857 का जो गदर हुआ था वो देश की स्वतंत्रता के लिए नहीं हुआ था, वो अपने धर्म को बचाने के लिए हुआ। वो हिंदुओं ने अपने हिंदुत्व को बचाने के लिए आंदोलन किया था, अपनी प्रथाओं को, अपनी संस्थाओं को बचाने के लिए किया था। वो अंग्रेजों के विरुद्ध जो उन्होंने रिफॉर्म्स किए थे उसके खिलाफ आंदोलन था। और अगर वो गदर कामयाब हो जाता तो आज लोकतंत्र देश में कहां होता, वो राजे रजवाड़े होते। आरएसएस की जो घृणा है मुसलमानों के प्रति, वो सिर्फ यही है। अतः इसमें भी इसके दो रूप हैं। इलीट जो मुसलमानों से वो भी रोजी रोटी के रिश्ते रखते हैं। आप बीजेपी का आरएसएस का कोई नेता बता दीजिए जिनके घर में मुस्लिम लड़कियां या ना हो, सबके उनके शादी ब्याह है। निम्न वर्ग के मुसलमानों को निम्न वर्ग के दलितों को नहीं मिलने देते हो। हिंदू मुस्लिम जहां दंगा होता है यही दोनों मारे जाते हैं। मैं और जिलों की बात नहीं करता और शहरों की बात नहीं करता, लेकिन अपने शहर की बात और अपने पूरे प्रदेश की बात बता रहा हूं। मैं दलित जातियां और मुस्लिम जातियां दलित एक ही मोहल्ले में पास पास रहते हैं, छतें मिली हुई हैं, आमने सामने घर हैं, कभी कोई झगड़ा आपस में नहीं, एक दूसरे के सुख दुख में सब शामिल होते हैं। और जब से आरएसएस ने जहर फैलाया है तब से नफरत बढ़ गई है। दंगे होते हैं वही दूसरे एक दूसरे के खिलाफ करते हैं, जो दंगे करवाते हैं वो घरों में हवेलियों में बंद रहते हैं, उन पर कोई आंच नहीं आती। वो ईद किस्म के मुसलमान और ईद किस्म के हिंदू हैं। दंगों में मारे जाते हैं दलित, दंगों में मारे जाते हैं दलित मुसलमान, दलित समझो जितने भी हिंदू को वो दंगों के बीच वो बन जाते हैं हिंदू और वो बन जाते हैं मुसलमान, और दंगे जब खत्म हो जाते हैं तो वो चमार है, नंगी है, फांसी है, कहा है, तब वही घृणा उनके साथ। मैं जिस मोहल्ले में रहता हूं वो पूरा बीजेपी का गढ़ है, आरएसएस ने वहां पर शाखाएं शुरू कर दी, सारे लोग सब पिछड़े जातियों का पूरा है। वो पिछड़े जातियों को अनपढ़ जाहिल बनाकर उन्होंने अपने हिंदू फोर्ड में मोड़ लिया। कुछ थोड़ा बहुत जागरण में आया है और वो हमेशा मुसलमानों के खिलाफ तनातनी रहती है उनके अंदर। हम उनसे पूछते हैं, भाई मुसलमानों ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है, तुम आरएसएस की लड़ाई तुम क्यों लड़ रहे हो, तुम्हारे दुश्मन वो कैसे हो गए। और आरएसएस से भी के भी हमारे कई मित्र हैं, उनसे भी हम बातचीत होती है, हम उनसे ही पूछते हैं कि बताइए देश के अंदर दलित तो पिछड़ जाते हैं, चलो अपने रोजगार की लड़ाई भी लड़ रहे हैं, आंदोलन भी कर रहे हैं, ये बेचारा तो तुमसे रोजगार भी नहीं मांग रहा है, जो सड़कों पर तुम्हारे खिलाफ उतर भी नहीं रहा है, तुम्हें तुम्हारा इसने क्या बिगाड़ा है जो तुम इनको मार रहे हो। उसके पीछे कारण क्या है कि दलित और मुस्लिम एक ना हो जाए। आरएसएस के बारे में आमतौर पर जितना भी मैंने पढ़ा है, जो किताबें मिली हैं, हिंदी में तो बहुत कम आई हैं, अंग्रेजी में ज्यादा आई हैं, उन सब ने आरएसएस को एक एंटी मुस्लिम संगठन के रूप में देखा है।
लेकिन मेरा अपना मानना है कि मुस्लिम संगठन उतना नहीं है जितना वो दलित और पिछड़ा विरोधी संगठन है। वो मुस्लिम विरोधी संगठन उतना बड़ा नहीं है, मुसलमानों को बर्बाद करने के लिए मुसलमानों के खिलाफ उसने कोई योजना नहीं बनाई है अब तक, बीजेपी के किसी शासन में नहीं बनी, पर वो डरा के धमका के मार कूट के रखता है। लेकिन दलितों पिछड़ों को बर्बाद करने के लिए उसने निरंतर योजनाएं बनाई। उसको विश्वविद्यालयों में जाने से रोका है, उनको आरक्षण पर पाबंदी लगाई है, बहुत सारी, आप मैं कह नहीं सकता कि कितना उसने गरीबों और पिछड़ों को बर्बाद करने के लिए कितनी योजनाएं बना रखी है। जितने भी आरएसएस के सत्संग होते हैं, सत्संगी साधु, सब पिछड़ी जातियों में हर हफ्ते सत्संग करते हैं, सब पिछड़ी जातियों में, ब्राह्मण ब्राह्मणों के घरों में नहीं जाते, उनके बस्तियों में नहीं जाते, पिछड़ी जातियों में। जैसे कहावत है कि हर एक कोस पे पानी बदले चार कोस पे पानी, वहां पर हर एक कोस पे मंदिर मिल जाएगा आपको। एक बहुत बड़े मोहल्ले के अंदर चार पांच मंदिर मिल जाएंगे, वो चार पांच वहां सब सत्संग चल रहा है, उनको वही कहानियां सुनाई जाती हैं जिनमें शूद्र जो है गुलाम है, जिनमें स्त्री जो है दासी है, जिसमें ब्राह्मण उच्च है, इसमें स्वर्ग मिलता है ब्राह्मण की सेवा करने से, जिसके अंदर आप जो नीच बने हैं, गरीब बने हैं, तो पूर्व जन्म के प्रमाण के अनुसार बने हैं। आप इस जन्म में अगर अच्छे कर्म करोगे तो आपको अच्छे जन्म मिलेंगे, ये उनको सुनाया जाता है। और उनका जो उनका ज्ञान का स्तर है वो उसको एक्सेप्ट कर लेता है, क्योंकि उसमें वो उनको उसके अंदर कुछ तो नहीं करने की शक्ति क्षमता नहीं है उसके अंदर, तो वो जानबूझ के उसको कर रहा है, लेकिन दलित उसके कब्जे में नहीं आ रहा है, क्योंकि दलित अंबेडकर से जुड़ा हुआ है। उसको ये डर है कि दलितों को अंबेडकर से कैसे हटाएं, जब तक वो दलितों को अंबेडकर से हटाएंगे नहीं, दलित उसके फोल्ड में आएंगे। हालांकि जो कुछ अति दलित जातियां हैं वो उसने अपने फोल्ड में कर रखी हैं, लेकिन दलित जो मोस्ट अंबेडकर वाले दलित है वो उसके पूरे आरएसएस के पूरे हिंदू राष्ट्र की हवा निकाल रहा है, इसलिए वो दलितों के सबसे बड़ा एंटी दुश्मन बना हुआ, सबसे बड़ा दुश्मन बना हुआ आरएसएस दलितों का ही पकड़। आप देखिए उसकी जितनी भी योजनाएं हैं वो लगती हैं आपको कभी मुसलमानों के लिए, लेकिन वो सब दलितों के खिलाफ है। चाहे लव जिहाद ले लीजिए, धर्मांतर के खिलाफ उनका को दे लीजिए। लव जिहाद का क्या मतलब है भाई? एक वाल्मीकि लड़की ने किसी मुस्लिम लड़की से शादी कर ली या प्यार कर लिया, पहुंच गए बजरंग दल वाले, उसको मार कूट करके उसको लव जिहाद घर वापसी करा दी। घर वापसी का मतलब है भंगी के भंगी बने रहो, चमार के चमार बने रहो, वहां नहीं जाओगे तुम तो किसके विरुद्ध है? यह लव जिहाद मुसलमानों के खिलाफ नहीं है, दलितों के खिलाफ है। घर वापसी दलितों के खिलाफ है, गोरक्षा दलितों के खिलाफ है, मुसलमान के खिलाफ नहीं। मुसलमान कहां का है पालता है, कुछ जातियां हैं गद्दी घोची टाइप की वो दूध पीते, लेकिन अब तो दलितों ने पिछड़ों जातियों ने भी गाय पालना ही बंद कर दिया। जो गाय का जो रोजगार गाय के साथ जो बड़ा बना हुआ था चमड़े का, ये सब सा बेरोजगार हो गए पूरे के पूरे। गाय को ले जाते समय ले देख लिया तो उसको पकड़ के लिंचिंग कर दी। तो गाय के बहाने, लव जिहाद के बहाने, घर वापसी के बहाने टारगेट किया जाता है दलितों को। कितनी घटनाएं बता दूंगी, ऊना में घटना है और झज्जर में घटना, हरियाणा में हुई, बहुत सारी घटनाएं हुई, तड़पा तड़पा के मारा है, मरी हुई गाय का खाल निकालने पर भी मारा है, जिससे बहुत बड़ा आंदोलन चला गुजरात में, और वहां मगरमच्छ के आंसू बहाए थे मोदी जी ने कि इनको मत मारो, मुझे गोली मार दो। और क्यों बहाए थे? और क्योंकि वहां के दलितों ने सड़कों पर मरे हुए कंकाल फेंक दिए थे जानवरों के, हर सड़कों फेंक दिए, उठाओ तुम्हारी माता है तो अपना उठाओ। जीते जी तुम्हारी माता है और हाथ लगाई तो अछूत हो गई, मरती अछूत हो जाती है, वो हर हाथ नहीं लगाती है, जिंदा है तो तुम्हारी माता है। तो पूरा का पूरा इनका सिस्टम जो है इस तरह पूरा दहशत दहशत
द्वारा चल रहा है, दलित इसको समझ रहा है, अच्छी तरह से समझ रहा है। और वो बाबा साहब अम्बेडकर तो शुरू ही कह रहे थे कि हिंदू राज अगर देश में बन गया तो ये लोकतंत्र के लिए सबसे खतरनाक, सबसे खतरनाक होगा, क्योंकि ये फासिज्म है, ये किस्म का फासीवाद है, आरएसएस की पूरी विचारधारा फासीवाद है। अब दलितों को, पिछड़ों को लेने की उसकी एक मजबूरी है, क्योंकि हिंदू राज ब्राह्मण ठाकुर बनिए से तो बनेगा नहीं, ब्राह्मण ठाकुर बनिए से हिंदू राज बनता होता, अब तक बन गया होता, जो तीन तो पहली थी उसमें हिंदू बोल रहे हैं। हिंदू राज बनाने के लिए उनको उनको बहुसंख्यक समाज चाहिए, आदिवासी चाहिए, बैकवर्ड्स चाहिए, दलित चाहिए। इसलिए उसके सारे कार्यक्रम जितने भी हैं, जैसे काउंटर रेवोल्यूशन के जितने भी उसके कार्यक्रम हैं, हिंदुत्व को फैलाने वाले, हिंदुत्व के जहर को फैलाने वाले, मनुस्मृति के जहर को फैलाने वाले, वो सब पिछड़ों में चल रहे हैं, सब दलितों में चल रहे हैं। कोई भी हिंदू त्यौहार आता है, 50 साल पहले हमने तो अपने बचपन में त्योहारों पर इस तरह का देखा नहीं था, उन्माद जिस तरह से अब उन्माद दिखाई देता है। होली आती है तो, दिवाली आती है तो, दुर्गा पूजा आती है तो, जरे कहाँ से निकल पड़ते हैं वो लोग, मोहल्ले के होते भी नहीं है, पहचान नहीं पाते कि कहाँ से आए हैं, पूरी झांकियों के साथ हाथों में त्रिशूल लिए हुए और पूरा नाचते गाते गेसट फैलाते हुए, तो उनको उधर से निकलते हुए डर लगता है। अब ये होता है और सब बैकवर्ड्स में होता है, और एक भी उधर नहीं जाता जहाँ ब्राह्मण रहते हैं या ठाकुर रहते हैं, मनी हुआ नहीं जाता कोई भी, सब यहीं से निकलते, सब दलितों की बस्तियों में जाते हैं, पोस्टर लगाते हैं तो उनकी बस्तियों में लगाते हैं। तो क्योंकि उनको बिना बैकवर्ड्स को लिए हुए, बिना दलितों को लिए हुए, बिना आदिवासियों को लिए हुए उनका हिंदू राज बनता नहीं है, इसलिए उनका ये सब चल रहा है। आदिवासियों के बीच में चल रहा है, उनको वो वनवासी बोलते हैं साथ, और आदिवासी भी नहीं कहते, वनवासी बहुत बोलते हैं उनको, उनके अंदर उन्हें हनुमान के लॉकेट बांट रहे हैं, उनको हिंदू बना रहे हैं, वो हिंदू बन गए, हिंदू लॉकेट बांट रखे। ईसाइयों से नफरत क्यों करते हैं, दलितों से, दलितों का जो संबंध मुसलमानों से जुड़ गया, ईसाइयों का जुड़ गया ना आदिवासियों से, वो आदिवासी वो उड़ीसा वगैरह में इन्होंने इनके मारपीट मचाई है, तमाम के चर्चे बाग लगाई है, कितने कतलेआम करा आरएसएस के लोगों ने ईसाइयों का, सिर्फ इसलिए कि ईसाई मिशनरी उन बेचारे भोले भाले अशिक्षित आदिवासियों को इंसान बना रहे थे, उनको शिक्षित कर रहे थे, उनको पढ़ा लिखा रहे थे। मैंने कहीं पढ़ा था, अभी मुझे नाम याद नहीं आ रहा है, किसी केरला के अंदर जब ईसाई मिशनरीज आए थे तो उन्होंने एक ऐसी प्रथा को वहाँ पर समाप्त किया था जहाँ आदिवासियों के अंदर सीना खुला रखती थी औरतें, और जो सीना खुला नहीं रखती थी वहाँ पर उनको जो है टैक्स देना पड़ता था। ईसाइयों ने उस प्रथा को दूर किया, उनको शिक्षित किया। आप कल्पना कीजिए अगर रांची वगैरह में अगर जेवियर्स कॉलेज और यूनिवर्सिटी नहीं होती, साजू ने तुमने ये इदारे कायम नहीं किए होते तो क्या उनका डेवलपमेंट हो जाता, उनका विकास हो जाता, नहीं हो पाता। साथियों समय का अभाव है और इसलिए मैं अपनी बात यही समाप्त करता हूं, और मैं फिर भी कहना चाहता हूं कि मैं आरएसएस को एक दलित और पिछड़ा विरोधी, आदिवासी विरोधी संगठन मानता हूं, और ये उसके दृष्टि में सबसे बड़ा दुश्मन यही है। धन्यवाद।